नमस्कार दोस्तों, सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मात्र 88 स्क्वायर फीट में जो है हमने एक सीढ़ी का वीडियो लेकर आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी जो है अगर 88 स्क्वायर फीट जमीन बचा हुआ है घर बनाकर और उसमें आप सीढ़ी बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा अगर रूम है 88 स्क्वायर फीट का और उसमें सीढ़ी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार। तो दोस्तों इस सीढ़ी को दोस्तों बनाया गया है मात्र ओनली ऑन 12 फीट 7 इंच गुने 7 फीट में। तो दोस्तों इतने जगह में जो है यह सीढ़ी बनाया गया है। अगर इसका स्क्वायर फीट आप अगर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका स्क्वायर फीट 88 स्क्वायर फीट आ जाएगा। और सीढ़ी जो है अगर आपको बनाना है एकदम कंफर्टेबल और आपके लिए दोस्तों आरामदायक साबित हो, तो दोस्तों इतना जगह तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। दोस्तों यह सीढ़ी दोस्तों बहुत आरामदायक चलने चढ़ने और उतरने में आपको होने वाला है। तो चलिए पूरा वीडियो की जानकारी ले लेते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे पीडीएफ पर और पीडीएफ में पढ़ेंगे हम डिटेल्स कि क्या क्या डिटेल्स पीडीएफ में लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम फिर 3D मॉडल पर आएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या आप इसमें जो है ध्यान दे सकते हैं और कैसे आपको ये सीढ़ी बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने पीडीएफ फाइल पर आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको फोकस करके दिखाऊं, तो ये पूरा पीडीएफ प्लान है 2D। आपको अगर सीढ़ी बनाना है तो इसी 2D का आप जो है यूज करके और पढ़कर जो है आप इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइड में कि पूरा डिटेल जो है एक टेबल में हमने जो है वो लिख रखा है। यहाँ पर पूरा जो है इस टेबल में हमने पूरा डिटेल्स लिख रखा है। तो दोस्तों चलते हैं एक एक करके जानकारी लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों क्या जानकारी है और क्या क्या चीज है। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहले नंबर पर देख सकते हैं सीरियल नंबर में कि बिल्टअप एरिया की बात करें तो 12 फीट 7 इंच गुणे 7 फीट जो है इसका टोटल एरिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 फीट इंटू यहाँ पर देख सकते हैं 12 फीट 7 इंच, इतने एरिया में दोस्तों इस सीढ़ी को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ टेबल में देखिएगा दोस्तों तो लिखा हुआ है स्टेप विड्थ। तो स्टेप विड्थ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों स्टेप विड्थ आपको 10 इंच का मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये 10 इंच का आपको स्टेप मिलता है जो कि एकदम कंफर्टेबल स्टेप होता है। और बाकी तो आपके पास अगर जगह ज्यादा है तो 12 इंच का भी रख सकते हैं और जगह कम है तो आप दोस्तों 9 इंच का भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप की स्पैन। तो स्टेप की स्पैन जो आपको मिलती है वो 3 फीट 3 इंच, यानी अगर आप रेलिंग वगैरह लगाते हैं तो रेलिंग लगा कर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो 3 फीट का परफेक्ट जगह बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फीट 3 इंच यानी कि 39 इंच का जो है आपको स्पैन यानी चौड़ाई आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजर हाइट, जो आपको राइजर हाइट मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपको 6.25 इंची, यानी कि आप 6 इंच 2 सूता कह सकते हैं। तो 6 इंच 2 सूता सवा 6 इंच का जो है आपको हरेक राइजर जो है नीचे से लेकर ऊपर तक आपको मिलने वाला है। यहाँ पर और आगे देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ स्टेप है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 जो है आपको नंबर ऑफ स्टेप मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ राइजर, तो नंबर ऑफ राइजर्स की बात करें तो दोस्तों वो भी आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 21 जो है आपको नंबर ऑफ राइजर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं फोकस करके हमेशा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग स्टेप की विड्थ की बात करें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोस्तों की जो स्टार्टिंग स्टेप्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं 2 फीट 1 इंची उन्हें 3 फीट 3 इंची यहाँ पर है। और एंडिंग स्टेप्स की बात करें जो कि आपका टॉप फ्लोर होगा जिसे आप छत बोल सकते हैं वो भी दोस्तों इतना ही है 2 फीट 1 इंची गुने 3 फीट 3 इंची। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर गैप, तो सेंटर गैप आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 6 इंची आपको यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 इंची का आपको सेंटर गैप मिलता है। बीच में जो गैप है वो 6 इंची का मिलता है ताकि रेलिंग लगाने में या रेलिंग का जब काम होगा तो रेलिंग को घुमाने में वहां पर अच्छे से घुमावदार यहाँ पर जो है वो बन सके यहाँ पर, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर 6 इंची का गैप प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद टोटल हाइट की बात करें दोस्तों कि यहाँ पर आपको टोटल हाइट कितना मिलने वाला है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 11 फीट के हाइट में इसको बनाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हाइट जो है वो 132 इंची यहाँ पर शो हो रहा है। ये टोटल हाइट की बात करें तो 132 इंच।
तो 132 इंच यानी 11 फीट के हाइट में इसको बनाया हुआ है। बाकी दोस्तों आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि टू कॉन्ट्रैक्ट हाउस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए आप दोस्तों हमें संपर्क कर सकते हैं, जो कि नंबर है 6200678917। दोस्तों आप अगर किसी भी प्रकार से अपना कोई सीढ़ी या मकान वगैरह आप डिजाइन प्लान कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका आप नंबर देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है 6200678917 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए सुविधा जो है अवेलेबल है, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2D प्लान का जो है वो काम खत्म होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा 2D प्लान जो है आपको पूरा अच्छे से पढ़कर बता दिया और आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ, जैसा कि PDF फाइल भी मैं प्रोवाइड करता हूँ और 3D एनिमेशन रेंडर इमेज हर एक तरीके से जो आपको चाहिए वो सारा चीज जो है यहाँ पर प्रॉपर आपको इस चैनल पर मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों 3D मॉडल पर और वहां पर देख लेते हैं कि क्या हम डिटेल्स और जान सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 3D मॉडल पर आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये सीढ़ी है एकदम कंफर्टेबल जो है आपके लिए साबित हो सकता है और एकदम जो है कहें तो आपको परफेक्ट जो है ये सीढ़ी का साइज आपको हर एक चीज का साइज आपको मिलता है। दोस्तों बशर्ते इसके लिए जो जगह है वो 88 स्क्वायर फीट चाहिए और इसका दोस्तों 88 स्क्वायर फीट में अगर आप बनाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल और बुजुर्ग लोग भी चढ़ने में इस पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा और वो भी इजीली इस पर रन कर सकते हैं, क्योंकि राइजर का जो है हाइट ज्यादा होता है और स्टेप का जो विड्थ है वो कम होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होता है। जैसे कि 9 इंची अगर स्टेप का विड्थ है और राइजर का हाइट 7 इंची है 7.5 इंची है तो दोस्तों उसमें काफी तरह से परेशानी जो है वो झेलना पड़ता है। तो इस सीढ़ी में ऐसा आपको कोई भी परेशानी झेलने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो है रूम बना हुआ होना चाहिए। अंदर अंदर रूम की साइज की बात करें तो 12 फीट 7 इंची 7 फीट चौड़ाई में आपका होना चाहिए, तभी जो है आप इस तरह का सीढ़ी बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर आप जो है इस सीढ़ी को बनाते हैं तो जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब का वो आप कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने इसका थिकनेस रखा है वेस्ट स्लैब का वो हमने दोस्तों यहाँ पर 6 इंची का रखा है। बाकी दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं थोड़ा कम या ज्यादा, जैसे 7 इंची भी रख सकते हैं 5 इंची भी रख सकते हैं, लेकिन 6 इंची जो है यहाँ पर परफेक्ट है और 6 इंची आप भी रखिएगा ताकि आपका सीढ़ी जो है वो मजबूत हमेशा रहे। तो दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था, जो कि आपके लिए दोस्तों ये बहुत यूजफुल जानकारी है और बहुत कमाल का जो है ये वीडियो भी है। तो आप अगर दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों किस बात की देर है, आप दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को जरूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।